अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर आपको दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएच। तो इसमें हम पहला जो करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स, टाइम पीरियड है, तो हम एक एक करके इनको डिराइव करेंगे। देखिए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यू नो वन थिंग, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस भी किया था, प्रूव भी किया था कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट्स एसएच, बिकॉज यू नो दैट सपोज दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश, और इसको हम ओ मानेंगे। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था अगर पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम एक्स टू वाई, प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम ओ टू वाई, क्योंकि अगर पार्टिकल यहां पे होगा इसका प्रोजेक्शन यहां पे होगा, लेट्स रिप्रेजेंट इट इज एम और इसका नाम देते हैं पी। सो अगर पार्टिकल जाएगा फ्रॉम एक्स टू वाई, प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम ओ टू वाई। इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम y to x dash, projection will move from y to o, पहले में जाएगा o to y, then again it comes y to o. But when the particle moves from x to y dash, projection will move from o to y. When the particle moves from y dash to x, projection will move from y dash to o. In short, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होगा दैट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि अगर आप देखोगे एक तो ये मोशन पीरियोडिक होगी, सेकेंड ये मोशन जो है एट एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन, और जो कि कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो हमने इसे हमें यह मालूम हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इट रिप्रेजेंट्स एसएच, और इसी से हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। देखिए जी, पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को। लेट सपोज दिस इज एक्स, दिस एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, इट इज ओ। चलिए यहां से पार्टिकल है, इसका मैं नाम पी देता हूं, ये इसका प्रोजेक्शन, इसका मैं नाम देता हूं एम। ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी आल्सो थीटा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिंग डिग्री एंगल्स। नाउ यू सी, अगर यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब देखिए इन ट्रायंगल OPM साइन थीटा हम निकालेंगे यहां पे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, इट विल बी परपेंडिकुलर दैट इज OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज OP, क्योंकि OP जो होगा दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज द एम्पलीट्यूड, या यू कैन कॉल इट विल बी द रेडियस। चलिए इसका हम देते हैं इट इज A, रेडियस जो सर्कल का है इट इज ए। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ओ एम, ओ एम इज वाई डिवाइडेड बाय ओपी दैट इज ए, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो वाई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, बट एज पर डेफिनेशन यू नो ओमेगा जो है this is equal to theta by time,
rate of change of angular displacement, that is angular velocity. So omega is theta by t. So theta is equal to omega t. That means y will be equal to a sin omega t. ये हमने पहला करैक्टरिस्टिक निकाला सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ लेट्स कैलकुलेट अनदर पैरामीटर, दैट इज द वेलोसिटी. ओके सी, देखिए जी, velocity. You know, velocity is a rate of change of displacement. So I can write velocity will be equal to, that is dy divided by dt. That means velocity will be equal to d by dt of, as already we know, displacement in SHM is, that is a sin omega t. So therefore, velocity will be equal to, is the amplitude, it's a constant, इसको बाहर निकालेंगे. Now d by dt of sin omega t, that is simply cos omega t into internal differentiation of omega t, that is omega. So this is the velocity. But we don't know the value of cos omega t, we have a value of sin omega t, because we already know that y is equal to a sin omega t. So sin omega t जो है वो बराबर होगा y by a के. तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम इस cos omega t का value जो है इसको change करेंगे. हम देखिए, so velocity is equal to a omega. I can also write it under root of 1 minus sin square omega t. I can write it v is equal to a omega under root of, it is 1 minus sin omega t is y by a. So sin square omega t jo aega, it will be y square by a square. Okay, so I can also write this expression as so velocity is equal to, it is a omega under root of a square minus y square whole divided by only a. Now because root and square cancel out, this a and a will go. Therefore velocity will be equal to omega under root of a square minus y square. This is the required expression for the velocity in simple harmonic motion. और इस expression से बिल्कुल ये crystal clear है कि SHM में जो velocity है, it is not uniform, it is the variable, because at different points displacement will be different. So that means in case of simple harmonic motion, velocity is different at different points. अब देखिए, हम दो points लेंगे. अगर हम लेंगे पहला पॉइंट एट y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे आप देखिए वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस y जो है, y इज द जीरो, सो y जीरो स्क्वायर, दैट मीन इज जीरो, इट विल बी ए स्क्वायर. Square and root cancel out. So velocity is equal to omega a. इससे ज्यादा velocity simple harmonic motion में नहीं हो सकती है. That is the reason इसको हम कहते हैं amplitude velocity भी. इसको हम कहते हैं amplitude velocity. यानि this is the maximum velocity in simple harmonic motion. क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू यहां पे डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, दैट इज द जीरो.
क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी आएगा बट स्क्वायर विल बी द पॉजिटिव, सो ये तो हमेशा माइनस हो जाएगा. सो मैक्सिमम वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एट मीन पोजिशन. अब हम दूसरी पोजिशन पे देखेंगे, दैट इज द एक्सट्रीम पोजिशन. एक्सट्रीम पोजिशन पे, क्योंकि अगर आपका ये पेंडुलम है, राइट, दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन, दिस इज द मीन पोजिशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन. इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू जीरो, इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू a, इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू a, राइट, प्लस ए एंड माइनस ए, दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन, राइट टू द मीन पोजिशन, लेफ्ट टू द मीन पोजिशन. सो एट एक्सट्रीम पोजिशन मीन्स एट एक्सट्रीम पोजिशन, दैट इज y इज इक्वल टू a, तो वेलोसिटी जो है इट कम्स आउट टू बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a square minus a square will be zero. So velocity comes out to be zero. That means at extreme position, velocity comes out to be zero. At mean position, velocity comes out to be maximum. वो इसका मतलब ये पॉइंट है कि अगर पेंडुलम या कोई भी पार्टिकल जो SHM दिखाता है, जब वो मीन से एक्सट्रीम की ओर जाता है, उसकी वेलासिटी कम कम हो रही है. सो इससे हमें ये साबित हुआ, ये प्रूव हुआ, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज वेरिएबल, दैट मींस द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ लेट अस कैलकुलेट एक्सेलरेशन, दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक इन सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट यू कॉल एज एक्सेलरेशन. बट एक चीज का ख्याल रखिए, एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. बेसिकली टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यहां पे ऑसिलेशन का मतलब है, अगर हमारे पास पार्टिकल है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, फिर वापस मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड जो है दैट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट यू कॉल टाइम पीरियड. एक एंट्रेंस की एक न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर इस पेंडुलम का इफ टाइम पीरियड, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वन सेकेंड, what will be the time taken by particle to move from mean to extreme position. ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल को समझिए. अगर इस ऑसिलेशन का टोटल टाइम पीरियड टी है, आप बताइए कितना टाइम लगेगा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन. इससे पहले मैंने आपको बोला हाउ यू डिफाइन द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. वो इसका मतलब यहां से लेके फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, अगेन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, दैट इज द टाइम पीरियड टी. नाउ इट इज गिवन इट इज वन सेकेंड. इसका मतलब एक सेकेंड टाइम में ये पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन दो बार आता है, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन. वो इसका मतलब जो टाइम लगेगा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजिशन दैट विल बी 1/4 ऑफ सेकेंड. क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये भी है, 1, 2, 3, 4. वो इसका मतलब जो टाइम लगेगा इसको दैट विल बी सिंपली 1/4 ऑफ सेकेंड.
that is simply 1 by 4th of second. This you call as, this is the answer of this numerical. Now, another numerical. Again, from this is from JEE exam. See what is the required numerical. Agar aapke paas ek pendulum hai, this is the extreme position, this is the extreme position, and this you call as mean position. यहां से लेके यहां तक जो displacement है, that is a by 2, ये भी है a by 2, क्योंकि total जो है, that is a, okay? ये बोल रहा है question कि अगर pendulum को time लगता है from O to A, T1, okay, और from A to B, इसको time लगता है T2, then what is the relation between T1 and T2? क्या ये, देखिए, distance तो बराबर इनको निकालनी है, जितनी distance from O to A है, उतनी distance from A to B है, तो हमें लगता है शायद T1 और T2 बराबर होगा, लेकिन एक चीज है, हमने वेलोसिटी में प्रूव किया कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम वेलोसिटी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. इसका मतलब जब ये पेंडुलम स्टार्ट करेगा फ्रॉम ओ टू ए तो इसको कम टाइम लगेगा, लेकिन जब ये जाएगा फ्रॉम ए टू बी इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है. तो हम कहेंगे इसका आंसर जो है टी वन इज लेस देन टी टू. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. Okay, this is another. One more numerical we may discuss here. Dekhiye, one more numerical is, what part of maximum velocity? What part of maximum velocity is present at y is equal to a by 2. Question ko pehle understand kariye. Ye question bol raha hai, what part of the maximum velocity is present at y is equal to a by 2? यानी जब एम्पलीट्यूड यानी जब डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी व्हाट पार्ट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सी व्हाट इज द आंसर. एज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्लियर. So, at y is equal to a by 2, the velocity will be equal to omega under root of a square minus a square by 4. That will be omega under root of 4a square minus a square, that will be 3a square by 4. That will be omega a square ka, that will be a, this will be under root 3 divided by 2. Iska matlab v will be equal to under root 3 divided by 2 omega a. Omega a jo hai, that is the maximum velocity. So this will be the required answer. Iska matlab at y is equal to a by 2, this portion of maximum velocity is present, that is under root 3 by 2 of v max will be the velocity when the displacement is half of the amplitude. Okay, so this was another numerical. Now let us discuss another characteristic, that is acceleration. Dekhiye hum kaise define karte hain acceleration ko. As you know that वेलोसिटी जो हमने एसएचएम में निकाला, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड यू नो दैट
in simple harmonic motion, the displacement is y is equal to a sin omega t, velocity is a omega cos omega t, and we define acceleration as the rate of change of velocity. That means acceleration ko hum define karenge dv by dt se. That is a rate of change of velocity, that is an acceleration. So acceleration ko